नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन। मैं हूं आपके साथ कनिका। जहांगीराबाद क्षेत्र के जटवाई गांव से विश्व बैंक द्वारा 172 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही सड़क, जो कि अनूप शहर दिवाई से होते हुए दोराहा तक जाएगी, उसमें घटिया सामग्री का प्रयोग होने की वजह से शिकायत दर्ज कराई गई थी। और पूर्व में हुई जाँच पर भी एटलस कंपनी द्वारा मनमानी से क्षेत्र के लोगों में काफी गुस्सा है, जिसको लेकर आज दोबारा से अधिकारी जाँच करने पहुँचे हैं। लगाई जा रही है, इसकी शिकायत लगातार आ रही है, क्या मामला है? अब इसमें घटिया सामग्री तो नहीं लगा रहे, जब तक लोगों को व्यू है अपना अपना देखने का कि घटिया सामग्री है या किसी के कहने से, मतलब क्या कहते हैं उसको, ना जो टेस्टिंग अभी तक हुई है सभी पास हुई है ना, और जो भी काम हो रहा है एज पर स्पेसिफिकेशन हो रहा है। इसमें चौड़ाई में भी कम माल डाला जा रहा है? इसमें नहीं, चौड़ाई में कोई माल कम नहीं है, हम बराबर कंटिन्यूस चेक कर रहे हैं उसको, कोई चौड़ाई में कोई माल कम नहीं है। आप जहाँ भी चाहें आपको भी चेक करा सकते थे, आपको कोई डाउट है ना तो आप जहाँ अभी यहाँ खड़े यहाँ पे भी आप थिकनेस चेक करना चाहें यहाँ पे भी आपको चेक करा सकते हैं, जो भी आ रही है आपका डाउट खत्म करते। किसी के सुनने वाली बात क्यों, देखो तो आँखों से देख करके देखो ना, कि हमने हाथ से करके देखो जो भी देखो। डेस्ट में मिट्टी की भी शिकायत आई है, मिट्टी मिलाई जा रही है, वो सैंड को लोग मिट्टी मानते हैं। एक्चुअली यहाँ कलर क्या है ना, थोड़ा काला कलर का दिखता है, लोग कहते मिट्टी है, थोड़ा लाल कलर का दिखता है, वो सैंड को ही मिट्टी बोलते हैं, वो उनकी थिंकिंग है। क्या करोड़ की लागत से बनना है ये रोड? 114.89 करोड़। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुभाष है। कौन से पद पर? भाई चौराहे तक बनाई जा रही 172 करोड़ की लागत से मेन रोड पे, जिसमें घटिया सामग्री की शिकायत की है, हम उनसे बात करते हैं, क्या मामला है? क्या मामला है, ये सड़क बन रही है, ये करोड़ से बन रही है? जी 172 करोड़ रुपए की लागत से विश्व बैंक के माध्यम से एटलस कंपनी द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। एटलस कंपनी द्वारा मनमानी तरीके से पहले मिट्टी डाली जा रही थी, जिसकी शिकायत हमारे द्वारा विभागीय अध्यक्ष और डीएम साहब से की गई थी। उस समय इनकी सैंपलिंग कराई गई थी, जो सारे फेल हो गए और सड़क को उखाड़ने के निर्देश दिए थे और गुणवत्तायुक्त सामग्री से बनाने के निर्देश दिए थे, लेकिन कंपनी द्वारा मनमानी की जा रही है। पुनः जब काम शुरू किया गया है तो फिर वही घटिया सामग्री से और 7 किलोमीटर नई सड़क बनाने के बाद जिस सड़क पर आप देख रहे हैं इसको बिना गड्ढा किए ही 8.5 सेंटीमीटर DBM करके जो है खाना पूर्ति करने की कोशिश की जा रही है। टीम जांच करने आई थी, जिसकी शिकायत हमने आज एक्सियन वर्ल्ड बैंक से की थी, तो आज एक्सियन वर्ल्ड बैंक, AE वर्ल्ड बैंक, RE जो कंसल्टेंट है वर्ल्ड बैंक के, वो सुभाष चंद जी और कंपनी के लोग जांच करने आए थे, जिन्होंने हमें अभी जो कार्रवाई का भरोसा दिया है। ये थे शिकायतकर्ता ज्ञानेंद्र सिंह राघव जी, जो बता रहे थे इस सड़क की शिकायत हमने आला अधिकारी उसकी है, उसकी जांच करने आज अधिकारी आए थे। कैमरामैन आदित्य गौतम के साथ सुल्तान अंसारी, CMN न्यूज जहांगीराबाद बुलंद। महोबा के कस्बे से एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर कुछ दिन पहले सोने चांदी की दुकान से भारी मात्रा में सोने के जेवरात चोरी कर लिए गए थे, जिसके क्रम में पुलिस ने टीम गठित की और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शातिर चोर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस टीम में हमारे एडिशनल SP साहब ने, हमारे CO साहब ने और जो टीम थी SHO श्री घनश्याम पांडे और उनकी टीम तथा हमारी जो है टीम थी, वो इन लोगों ने काम किया और इस प्रकार से जो है सफलता मिली है। आपको ये बता दें कि ये जो चोर पकड़ा गया है इसका, वो जो है हमीरपुर में पहले से वांछित था और उसके ऊपर जो है 5,000 रुपये का इनाम पहले से था। सर पहले भी इसका एक चोरी वारदात को अंजाम? हाँ, इसके पहले भी एक चोरी हुई थी, रावत जी थे उनके घर जो है, जो मुकदमा अपराध संख्या 86/19 है, पीयूष तिवारी जी उनके घर से जो है चोरी हुए थे। इस चोरी को भी उसने स्वीकार किया है और इसके पहले ये एक हैं अनिल कुमार, जय प्रकाश रावत इनके घर से जो है 6.5 लाख रुपया और कुछ जेवरात चोरी हुए थे, उस चोरी को भी उसने स्वीकार किया है। तो इस प्रकार से जो है आप देख रहे हैं कि जनपद महोबा के थाना पनवाड़ी की दो बड़ी चोरियाँ वर्कआउट हुई हैं और मैं अपनी टीम को जो है बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साथ ही जो है उनको 10,000 रुपये नगद पुरस्कार देने की घोषणा करता हूँ। और बस शाहजहांपुर जिले के बेरेछा में गांधी संकल्प यात्रा निकाली गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत और सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी शामिल हुए। वहीं थावरचंद गहलोत सांसद ने केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में आम जनता को बताया और यात्रा के दौरान आम जनता की समस्याओं को भी सुना। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर सारे देश में भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद
विधायक पदाधिकारी और कार्यकर्ता गांधी संकल्प यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। देवास शाजापुर में भी इस यात्रा का आयोजन हुआ है। हमारे लोकप्रिय सांसद महेंद्र सिंह जी सोलंकी लगातार कर्तव्य निष्ठा से ईमानदारी से पैदल चल के इस यात्रा को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से गांधी जी की सोच सारे देश में जनता तक पहुँचे, देश स्वच्छ बने, स्वस्थ बने। महात्मा गांधी जी का जो गांधीवादी समाजवाद, पंचायती राज व्यवस्था। फकरपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत प्राथमिक विद्यालय के एक शिक्षक को शिक्षण कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में शुक्रवार को निलंबित कर दिया गया, जिससे नाराज छात्र और अभिभावकों ने रविवार को स्कूल पहुंचकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। सुल्तान, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अच्छा पाँच में। क्या बात है, आज सब लोग जो इकट्ठा हो, किस लिए यहाँ पे विद्यालय में आज इकट्ठा हुए हो? हमारे सर को किसी ने निकालने की कोशिश की, इसलिए हम सब इकट्ठा। जोर से बोलो, क्या नाम था उनका सर जी? अवधेश कुमार झा। अवधेश कुमार, उनकी वापसी चाहते हो तुम जी? कैसा पढ़ाते थे वो? बढ़िया पढ़ाते थे। अच्छा पढ़ाते थे। बच्चों के प्रति क्या रुचि थी उनकी? अच्छी थी, बच्चों से वो प्यार करते थे। जब वो इस विद्यालय में आए हैं, तब से वो ये विद्यालय से घर गए। प्राइमरी स्कूल सरसठ पिटोरा। किस लिए यहाँ पे आज सब लोग इकट्ठा हुए हो? अवधेश सर की बदली होने पर। तो कैसे बदली हो गई, कुछ पता है आपको? ये हमको नहीं पता है। क्या चाहती हो? हमको चाहिए तो सिर्फ अवधेश सर चाहिए, या तो हम स्कूल नहीं आएंगे, गेट में ताला लग जाएगा। ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि हमको अवधेश सर ही चाहिए? क्या थे, कैसे पढ़ाते थे वो? अच्छा पढ़ाते, अच्छा थे, अच्छी देखभाल करते थे, और अच्छा ड्रेस भी बटवाए थे, अच्छा खाना भी खवाए थे। प्रधान जी, आपका क्या नाम है और आपके ग्राम पंचायत में विद्यालय बना हुआ है, प्राथमिक विद्यालय, वहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा है, काफ़ी प्रदर्शन हो रहा है, क्या है पूरी जानकारी? सर, मेरा नाम रोमी चंद मेहरोत्रा, ग्राम प्रधान सरसठ बिटोरा। हमारे यहाँ एक प्राथमिक विद्यालय सरसठ बिटोरा में एक प्रधान अध्यापक पद पर कार्यरत श्री अवधेश कुमार झा जी मास्टर थे, जो कि उनका किसी कारणवश से यहाँ से हटा दिया गया है। इसी को लेकर सभी विभाग हमारे पास भी आए थे, इसको लेकर कि ये मास्टर साहब बहुत अच्छे थे, इनको क्यों हटाया गया, ये चीज़ें हमसे पूछी गई। तो हमने बताया, अभिभावकों को समझाया कि ये जो चीज़ें हैं सरकार की हैं, मंशा है कि जो आता जाता रहता है, कोई आता है कोई जाता है, कोई अध्यापक आएगा कोई जाएगा, लेकिन वो लोग आक्रोशित होकर नहीं माने, वो लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अध्यापक को पुनः बुलाने की मांग कर रहे हैं। क्या ऐसी खूबी थी शिक्षक में जो यहाँ के ग्रामीणों बच्चे परेशान हैं कि वही शिक्षक चाहिए? मास्टर साहब में बहुत खूबी थी, जब करीब हमारे यहाँ जब वो आए, जब वो तब हमारे यहाँ की संख्या 20 थी, करीब 20-25 से ज़्यादा नहीं रही होगी, आज के करीब बच्चों की संख्या 270 है। अपने बच्चों की देख रेख करते थे, समय से स्कूल आते थे, अच्छे शिक्षा ग्रहण करवाते थे। हमारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को देखते हुए, यहाँ की गरीबी को देखते हुए उन्होंने अच्छा कार्य किया, इसी से वो लोगों के मन में बस गए और उन लोगों के दिल में जगह बना ली, जिससे वो उनके जाने के लिए लोगों को तकलीफ हो रही है, इससे वो प्रदर्शन करना चाह रहे, वापस पुनः बुलाने की मांग कर रहे हैं। विद्यावती जी, क्या मामला है पूरा ये बताइए। मामला यहाँ पर ये हुआ कि बहुत दिन से चल रहा था, हमारे मास्टर साहब के ऊपर आरोप लगाया जा रहा था, उनसे कहा गया कि हमारे तरफ से ड्रेस बांटो, जो लोगों ने कहा वो, ये मुझको नहीं मालूम है। मास्टर साहब ने हमारे कहा कि हम बच्चों को बांटेंगे तो अच्छा ड्रेस बांटेंगे, उन लोगों के कहने से ड्रेस नहीं बांटा, फिर उनके कहने से कुछ किया नहीं, जो बाहर के लोग कह रहे थे उनको, लोगों के कहने से, इसलिए उनको बदलाई करने में ये हुआ है। और फिर यहाँ पर जो है तो आते हैं टाइम से, वो आते हैं पढ़ाते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं, चाहे उनके नाक हो या थूक हो वो सही अपने रुमाल से साफ करते हैं, फिर पढ़ाते हैं। ऐसा कभी इस स्कूल में नहीं हुआ था, उनके आने पर ये यहाँ स्कूल में हुआ है, और हमारे स्कूल का कर्तव्य आगे को बढ़ा है उनके तरफ से। फिर उनको क्यों निकाला गया? क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि अगर वो आएंगे तो यहाँ स्कूल चलेगा, या तो स्कूल नहीं चलेगा, स्कूल बंद हो जाएगा। क्या नाम है मास्टर साहब का? अवधेश झा।
कहाँ के निवासी थे ये मास्टर साहब? बनारस के रहने वाले हैं। और दूसरे मास्टर साहब हैं आनंद कुमार शुक्ला, वो हैं कानपुर के रहने वाले। बताया नहीं गया कि किस कारण बस उन्हें प्रभाव से हटाया गया है? नहीं, ये हम लोगों को परसों जैसे आए थे तो 1 बजे उनकी वहाँ बैरेज से फोन आया, वो चले गए कि हम जा रहे हैं, आप लोग स्कूल देखना, बच्चों को खाना खिला देना। कानपुर वाले मास्टर थे, वो चले गए। वहाँ पर जाने के बाद में शाम को फोन आया कि उनका ट्रांसफ़र हो गया है, वो दूसरे स्कूल को जा रहे हैं। फिर हम लोगों को क्या पता कि किस लिए बदलाई किया गया है, पर यह नोकझोंक चलता रहता था कि ड्रेस उनके कहने से नहीं बटा, उनके कहने से राशन नहीं उठा। वो अपने हिसाब से करते थे, बच्चों से प्यार करते थे, वो कहते थे कि बच्चों हमारे स्कूल बच्चे में भूखे नहीं रहे, ड्रेस अच्छा पहने, अच्छे से पढ़ाई करें। वो बच्चों से प्यार करते थे। अब बताइए इसमें क्या गलती है हमारे मास्टर साहब की तो उनको निकाला जा रहा है। क्या नाम है और क्या समस्या है? हमारा नाम है डॉक्टर तिलक राम बौद्ध। समस्या है जो हमारे जहाँ साहब मास्टर हैं यहाँ जो बनारस से आए हुए हैं, उन्हीं के कार्यकाल में हमारे इस स्कूल का और बच्चों का भविष्य सुधरा है। जब से वो आए हैं तभी से हमारा स्कूल मेंटेन हुआ है और बच्चों का भविष्य बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ रही है बच्चों की, पढ़ने वालों की। और बच्चे ये भी नहीं है कि हमारे झा साहब जो हैं कोई जात भाव का भावना रखते हों, बिल्कुल निष्पक्ष भाव से सभी बच्चों को, चाहे वो मुस्लिम का हो, चाहे अन्य बिरादरी का हो, चाहे दलित हो, सबको एक प्यार की भावना से सभी बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं। और जो बिल्डिंग बनने के लिए, जो इसकी मरम्मत करने के लिए जो कुछ पैसा आता है, जो लेटरिन बनने के लिए कोई भी बजट आता है डेंट पेंट करने के लिए, सब वो पहले ही हम लोगों को मोबाइल पर दिखा देते हैं कि भाइयों देखिए इतना बजट आया है हमारे मोबाइल में, पैसा हमारे खाते में आ गया है, आप लोग सभी सहमत होकर बताइए, जो जैसा चाहो उतना मैं पैसा ये खर्च कर लूँगा। फिर भी उन्हें हटाया जा रहा है। मांग कर रहे हैं, इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे मास्टर साहब जो हैं उनको फिर से यहाँ पर स्थापित किया जाए। ये हमारी ही आवाज़ नहीं, बहुत लोगों की आवाज़ है। बच्चों को नाम भी कटवा लेंगे हम, आना स्कूल में आना ही बंद करवा देंगे। हमको अच्छी पढ़ाई से ज़रूरत है, हमको लेबर ही विद्यालय से लेबर नहीं बनाना है, न रिक्शा वाले बनाना है, हमको शिक्षा लेना है, शिक्षा बच्चों की भविष्य नहीं खराब करना है। हम लोगों की यही आवाज़ है। यहाँ नहीं, हम जिला पर तक जाएंगे, हम लोग एक ट्राली दो ट्राली ले जाकर के सभी बच्चों के साथ घेराव करेंगे, इसका प्रदर्शन भी करेंगे, जो कुछ हो जाए हम धरना करेंगे, जो कुछ हो। एक अच्छी, हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, एक अच्छे शिक्षक जो आपको मिले थे उनकी वापसी आप लोग चाहते हैं? हाँ, वही आप चाहते हैं, उनको लाया जाए, फिर से लाया जाए, ये हम लोगों का अनुरोध है आप लोगों से। जो उनके खिलाफ गलत पैदा वापस आए, जिंदाबाद। पहले बहुत गड़बड़ थी, जब से झा मास्टर आए, आनंद सर आए और सब कोई आए, तब से स्कूल बहुत सही चलेगा। तो चले के बाद में उनके अपने माध्यम से वही डेरेट बाजिन अपने माध्यम से खाना बनवावे लगे। खाना बनवाओ के बावजूद में अब मने लोग लग गए उनके पीछे, हमका सबका पता नहीं चला है। इसलिए मास्टर साहब का यहाँ से निकाल देंगे। वहाँ क्या खासियत थी उनकी जिस वजह से उनके आने से स्कूल में बदलाव आया? उनके पढ़ाई से, बच्चन के पढ़ाई ज्ञान आने से थे बदलाव हुआ। आखिर किस लिए उनको यहाँ से हटाया गया है? आज ये तो पता नहीं हमका, तो हमका नहीं। बीते दिनों सुर्खियों में रहा ग्राम किशोनी का शासकीय स्कूल के ग्राउंड में एक कच्चा कुआं है जो बारिश के पानी से लबालब भरा हुआ है और उसी के पास में बच्चे खेलते हैं। शिक्षा विभाग की लापरवाही पत्रकारों द्वारा 2 बार अवगत करवाने के बावजूद भी अधिकारी चुप हैं और कोई कदम नहीं उठाया गया है। सर बताइए, किशोनी मामले में जो टीचर की शिकायत हुई थी उस पर आपने क्या एक्शन लिया? किशोनी मामले में जो मेरे पास में शिकायत आई थी, मैंने उस दिन जाँच करवाई थी, जांच में एक शिक्षक वहाँ मौजूद थे, जो लेट आए थे उनको नियमानुसार अवकाश लगाया गया और वरिष्ठ कार्यालय को जांच भेज दी गई। सर फर्स्ट टाइम भी आपको बताया गया था कि स्कूल में ताला लगाया 12 बजे? फर्स्ट टाइम की भी बात बता रहा हूँ मैं आपको, फर्स्ट टाइम की। सेकंड टाइम आपको हमने एफिडेविट बनवा के दिया गाँव से? सेकंड टाइम में जब आप आए थे, एफिडेविट मुझे मिला था, मैंने उस दिन मैं मीटिंग में गया था, जाँच
दल बना के वहाँ भेजा था, उसने जांच करके आया, वहाँ पे उन्होंने ग्राम के सरपंच, प्रबंध समिति और सभी को इकट्ठा करके से बात की, वहाँ उनके द्वारा बताया गया कि नहीं, स्कूल समय से आता है और समय से लगता है। तो सर, हमने इसके आपको भी दिखाया तो हमारा कैमरा झूठ बोल रहा है क्या? वो उनके मुँह से बोल रहे हैं कि हाँ, मैं आप ये गलत करें, आपने कैमरा मुझे अभी दिखाया है और आपने अभी दिखाया है, और अगर ऐसा होगा तो मैं उसको दिखाऊंगा। और उनका उसकी निकल चुकी विद्यालय की दो खबर, क्या वो खबर गलत है? मेरे पास क्या में वीडियोस गलत है सर? नहीं, मेरे पास में सिर्फ आपने जो खबर दिखाई थी, ये पहली वाली मुझे की जानकारी है और मैं उसको ना गलत कह रहा हूँ। अगर शिक्षक ने जो कहा उसको आप कार्यवाही कीजिए। थैंक यू।